दिन मंगलवार सुबह का समय, नहा चुकी जाऊं पूजा करने, उससे पहले बादल गरजने लगे तो सुख चैन से कपड़े सुखा के तय बना लो, ऐसा बारिश में होता कहाँ है। सो ये थोड़े, जैसे बोलते हैं ना, अध सूखे, तो थोड़े बाकी रह गए थे सूखने के लिए, तो इनको उतार के रखा यहाँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ से अपने ये जो कपड़ों की गठरिया है, इसको उठा के सीधे ले गई हूँ आंचल के रूम में, और सारे कपड़े मैंने डाले हैं बेड पे, चेयर पे, और जो अलमारी की जो क्या बोलते उसको हैंडल, उस पे ये वाइट वाली बड़ी टॉवल डाल दी थी। तो इस तरीके से ज़्यादा गीले नहीं है, मगर वो जो अध सूखे होते हैं ना, आधे सूखे आधे गीले, वैसे थे। तो बस यहाँ पंखा चलाया, और एस्ट्रो घुस के सारे कपड़े ख़राब ही करेगा, तो बस मैंने पंखा चलाया और मैं पूजा करने चली गई दरवाज़ा बंद करके। और यहाँ पे आई हूँ, यही मैं देख रही हूँ कि बारिश हो रही है, तो मिट्टी अगर ज़्यादा गीली होगी पौधों की, तो फिर मैं पानी नहीं डालूँगी। एक्स्ट्रा पानी डाल दो तो फिर वो पौधे हो जाते हैं ख़राब। तो पौधों में पानी तभी डालना चाहिए जब पौधे की मिट्टी पूरी सूख जाए, तब फिर पानी डालना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैं कई बार, जैसे मुझे पता नहीं था और मैं वाटरिंग कर देती थी अच्छी खासी बिना चेक किए, तो मेरे पौधे आए दिन मैं देखती थी ख़राब हो गए हैं। तो अब इसलिए मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट के ज़रिए ये बताया कि इसमें जो नीचे पानी आ जाता है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, इसमें पानी भर के ही रखना चाहिए, और ऊपर से एक्स्ट्रा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके भी घर में बहुत सारे इस तरीके के प्लांट हैं। तो थैंक यू सो मच डियर, मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, आपने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब मैंने उसमें दोबारा पानी भर के रख दिया है। और बस यहाँ पे मंदिर थोड़ा क्लीन करने के बाद में यहाँ मैंने धोए हैं मंदिर के बर्तन। ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अच्छा, एक कमेंट का और रिप्लाई कर रही हूँ कि कमेंट कुछ इस तरह से आया था कि जब पूजा हो जाती है तो क्या पूजा करने के बाद साथ के साथ प्रसाद उठा सकते हैं? तो हाँ जी, ज़रूर उठा सकते हैं। फिर आपको मंदिर में पूजा होने के बाद प्रसाद रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भोग आपने भगवान जी को लगा दिया है, तो निसंकोच होके और बिना किसी अंधविश्वास के आप प्रसाद उठाइए, घर परिवार में बाँटिए और खुद खाइए। पूजा करने के बाद में सबसे पहले मेडिसिन लेके मैंने नाश्ता किया है, और खाना भी बन गया है, वहां रखा हुआ है। कल जो छौंका लगा के दाल बनाई थी ना, तो वो इतनी ज्यादा अच्छी बन गई, और कभी कभी कुछ सामान बहुत अच्छे बन जाते हैं, मगर ये दाल अच्छी बनती ही है। तो भाई, रात में आंचल बोल रही थी कि आपने ज्यादा थोड़ी बढ़ा के क्यों नहीं बनाई, अभी डिनर पे भी हम लोग थोड़ा ले लेते, तो वही वाली दाल बनाई है, ककरोल की सब्जी बनाई है, रोटी चावल, यही खाना बनाया। तो खाना बना के सबसे पहले कंप्लीट हो गया है, यहाँ रखा है एस्ट्रो का खाना, और अब बना रही हूं मैं डेजर्ट यानी कि मिठाई। तो बहुत ही इजी वे में आपको रेसिपी दे रही हूं, नो टाइम मिठाई आप बोल सकते हैं, नो टाइम डेजर्ट, कोई ज्यादा झमेला नहीं बनाने में, कुछ नहीं। और जैसे अगर आप ठाकुर जी को, भगवान को भोग भी लगाते हैं, आप देखिए जैसे कि सावन अब 22 तारीख से लगी रहा है ना, तो अब सावन के बाद में तो त्योहार ही त्योहार है, तो कभी भी भगवान को भोग लगाइए, या अपने घर में ही कोई आपका तीज त्योहार है, बर्थडे है, या कोई जैसे पार्टी है उसमें बना लीजिए। तो बहुत इजी वे में आपको मैं माय वर्जन ऑफ डेजर्ट रेसिपीज, तो आपको मैं शेयर कर रही हूँ अपने स्टाइल में।
तो यहाँ सबसे पहले बना रही हूँ, अब आप उसको संदेश बोल सकते हैं, तो पनीर का संदेश बना रही हूँ मैं बहुत इजी वे में। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बनाना शुरू कर रही हूँ पनीर का संदेश या फिर पनीर कलाकंद। तो ये 150 ग्राम मैंने पनीर लिया है, जो भी पनीर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो घर में छेना बना लीजिए, एक ही बात है। इसको अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए हाथ से, और सिर्फ 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है, और फिर इसको अच्छे से आप मसल मसल के इतना मसलिए कि इसमें एक चिकनाहट आ जाए। जैसे रसगुल्ला बनाते हैं, छेने की कोई मिठाई बनाते हैं, तो हाथ की हथेली से इस तरीके से मसला जाता है छेने को, तो बिल्कुल चिकना सा हो गया है। और इसको अभी पूरा इकट्ठा करके एक जगह ही थाली में मैं रख दूंगी, और फिर मैं गैस पर चढ़ाऊंगी कढ़ाई, और उसमें डालूंगी मैं दूध। तो दूध मैं किस हिसाब से डाल रही हूँ आप देख लीजिए, ये छोटा कप आप आधा कप समझ लीजिए डाला है। साथ में ही मैंने डाला है 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर, खाने वाली जो छोटी चम्मच होती है ना, तो बस उसी से मैंने नाप के 4 चम्मच डाला है। और अब इसको चलाते ही रहना है, गैस को बहुत ज़्यादा फुल मत रखिएगा क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है, और चलाते चलाते बहुत ही जल्दी ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा। तो बस इस टाइम पे कर दीजिए गैस को बंद। और पहले से ही मैंने ये, मेरे पास में एक डब्बा सा है, केक टिन नहीं है, इसी में मैंने बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी बर्तन में इस तरीके से इसको रख दीजिए, मतलब डाल दीजिए, और इस तरीके से प्रेस कर करके बस बाहर ही रख दीजिए, तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो जब तक कलाकंद सेट होता है, तब तक यहाँ मैं बनाने लगी हूँ सेवई मिल्क केक। तो इसके लिए मैंने लिया है सेवई 1 कटोरी भर के। अगर आपके पास रोस्टेड है पहले से ही, तो आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसको रोस्ट किया है और गैस को कर दिया है बंद, और तुरंत ही इसको एक प्लेट में निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो चलती ही रहती है, कढ़ाई गर्म रहती है इसलिए। और ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो मिक्सी जार में मैंने 2 चम्मच के करीब चीनी डाली है, और जो सेवई मैंने रोस्ट की थी बस उसको डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये कितना भी आप अच्छा पीसेंगे, हल्का दरदरा ही रहेगा। फिर से कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है, देसी घी। अब घी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और जो पीसा था मैंने सेवई, बस उसको डाल दिया है, और इसको ज़रा सा मैं मिक्स दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा अब इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रोस्टेड ही है। तो मिक्स करने के बाद में इसमें मैं डालूँगी मिल्क मेड। तो मिल्क मेड मार्केट में आसानी से मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं, और मीठा तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और मिल्क मेड डालकर जब आप इसको मिक्स करेंगे, तो ये बहुत ही जल्दी जैसे जमने लगेगा। आप जब चलाएंगे इसको, मिक्स करेंगे, तो आप फील करेंगे, देखिए चलाते चलाते इसका जैसे कि बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ गया है, ये जम सकता है। तो मैंने इसको 1 कटोरी में ही जमाया है। अब इसका तरीका ये है कि छोटे छोटे आपको जैसे शेप में चाहिए वैसा बर्तन लीजिए, प्लास्टिक लगाइए, प्लास्टिक के ऊपर इस सेवई के आटे को रखिए। अब जैसे आपको ड्राई फ्रूट लगाना है तो पहले ड्राई फ्रूट लगा दीजिए, बस उसमें आप डालिए, अंगूठे से प्रेस कीजिए और निकाल के मिठाई को सर्व कीजिए। एकदम इंस्टेंट वाली है, मैंने कटोरी में जमाया है। ये हल्की सी जैसे कि टाइट वाला जो रहता है ना, जैसे जो मिठाई हल्का सा टाइट जैसे टूटता है, ये वैसी बनती है। मगर ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनी थी और बहुत ही टेस्टी। इसमें घी का टेस्ट और जो सेवई का जो जैसे दरदरापन, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये ज़रा सा सेट हो जाए, तो मैंने टिफ़िन का ये जो कटोरी है बस यही ले लिया है। वैसे ये रेडी टू ईट है और इंस्टेंट डेजर्ट है, कोई भी मेहमान भी घर पे आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो फिर से मैंने कढ़ाई को धो के चढ़ा दिया है, बना रही हूँ बेसन नारियल की बर्फ़ी। तो 1 कप मैंने बेसन लिया है, 1 कप ही मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, ना मिले तो आप मिक्सी में नारियल को पीस लीजिए, इसमें आप फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर सूखा वाला जो गरी गोला होता है वही डालेंगे, सूखा नारियल तो ज़्यादा अच्छा है। बस इसको चलाते हुए अच्छी एक खुशबू आने लगेगी, गैस को बिल्कुल स्लो रखना है। और हाँ, साथ में ही मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाला था।
तो बस इसको चलाते हुए बहुत अच्छी एक खुशबू आने लगी है। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद और इसको निकाला है मैंने साथ के साथ ही प्लेट में। तो ये क्या है कि कढ़ाई गर्म रहती है तो कुकिंग प्रोसेस चालू ही रहता है, फिर वो जैसे जलने लगेगा, डार्क हो जाएगा, तो वैसा नहीं चाहिए। साथ के साथ ही मैंने निकाल दिया जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है। तो दूसरे फ्राई पैन में मैंने एक कप चीनी, आधा कप पानी, रेशियो आप बिल्कुल परफेक्ट ही डालिएगा तो बर्फ़ी भी आपकी परफेक्ट बनेगी। इसको चला रही हूँ और बस चाशनी एक तार या दो तार की नहीं बनानी है, बस चीनी मेल्ट हो जाए। और साथ में डाल रही हूँ एक अच्छे टेस्ट और कलर के लिए केसर। अब ये चक्रेश केसर है, ब्रांड का नाम है चक्रेश, आप लोग हमेशा पूछते हैं इसलिए मैं रिप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा देती है और टेस्ट तो देती ही है। तो देखिए कलर भी अच्छा आ ही गया है, जैसे जैसे ठंडी होगी और अच्छा कलर आएगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी एक तार पूरा बना नहीं है, बस ऐसी ही चाशनी चाहिए। गैस को कर दिया है मैंने बिल्कुल बंद और थोड़ा थोड़ा जो बेसन और नारियल भुना था तो बस उसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें चला लेंगे। एक साथ में पूरा मत डालिएगा, नहीं तो बिल्कुल वो कहते हैं ना गांठ गांठ जैसी बन जाएगी। तो बाकी का जो मिक्सचर बचा था वो भी मैंने डाल दिया और चलाते चलाते ये गाढ़ा होता जाएगा। तो गैस बिल्कुल इस टाइम पर बंद रखिएगा और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें फिर डालेंगे घी। अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि घी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने भर के इसमें 3 चम्मच घी डाला है और इसको मिक्स किया है। मिक्स करते करते भी घी ये एब्जॉर्ब करेगा मगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, साइड साइड से घी थोड़ा निकला ही रहेगा, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद इसको साथ के साथ ही प्लेट में या जिसमें भी आपको जमाना है वो बर्तन रेडी रखिएगा। उसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चिपकेगा ही नहीं। और ये भी बहुत ही जल्दी जमने वाली मिठाई है। अब इस बर्फ़ी के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम जब इसको बर्तन में डालेंगे उसी टाइम आप इसको सेट करके कट लगा लीजिए, क्योंकि बाद में इसको काटना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये हल्की सी जैसे हार्ड हो जाती है। खाने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी मगर काटने में हल्की सी हार्ड होगी और टेस्ट में तो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि क्या बताऊँ। तो सेट करके मैंने बाद में ही काटा था इसलिए आपके साथ शेयर किया मैंने कि पहले काट लीजिएगा। ऊपर से मैंने पिस्ता की कुछ कतरन से सजाया है, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है, 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है, 2 चम्मच सूजी और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेड मलाई रोल। तो ये बिल्कुल ऐसा टेस्ट करेगा जैसे कि रसमलाई टेस्ट करता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है, गैस बिल्कुल स्लो है और देखिए कलर चेंज हो गया है, तो इसमें डालूँगी दूध। तो इसमें डाला है मैंने 1 कप के करीब दूध और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें अभी साथ के साथ ही डालूँगी मैं 2 चम्मच के करीब चीनी। तो आप जिस तरह से मीठा खाते हैं वैसा आप डाल सकते हैं। और 2 चम्मच ही इसमें डाल रही हूँ मैं मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी ये थिक हो जाएगा और टेस्ट तो बहुत अच्छा ही आएगा इसमें, क्योंकि मिल्क पाउडर जब जाता है किसी मिठाई में तो वो टेस्ट सिर्फ बढ़ाता ही है। और देखिए मिलाते मिलाते कितना गाढ़ा हो गया है। तो इसमें डाल रही हूँ ज़रा सा बिल्कुल मेवा काट के, जो पिस्ता की कतरन थी और काजू बादाम, आप बिना ड्राई फ्रूट के भी ये बना सकते हैं। तो ये स्टफिंग बन रही है जो ब्रेड के अंदर भरी जाएगी, इसीलिए इसका नाम है ब्रेड मलाई रोल। और ये देखिए नीचे बिल्कुल भी जला नहीं है, मैं यही चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि जलना नहीं चाहिए वरना फिर मिठाई का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो कढ़ाई को छोड़िएगा तो बिल्कुल भी नहीं। गैस को कर दिया है बंद और एक तरफ ये दूध चढ़ाया है, तो 1/2 लीटर से थोड़ा कम दूध है, 1 ग्लास दूध समझ लीजिए। 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है और इसमें डाला है मैंने मिल्क पाउडर 2 चम्मच के ही करीब। और इसमें डाल रही हूँ केसर के धागे, इसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा केसर डाली है क्योंकि कलर मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए था। और इस केसर के बाद में भी मैंने थोड़ी सी केसर फिर से डाली थी तो कलर इतना अच्छा निकल के आएगा अभी आप देखिएगा। और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहिएगा, देखिए
कलर काफ़ी अच्छा आ गया है और जैसे जैसे ये दूध ठंडा होगा वैसे वैसे कलर और थोड़ा डार्क होता जाएगा। और जो ड्राई फ्रूट हैं वो थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए थे और डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो ये थोड़ी देर गैस पर ही चढ़ा हुआ था, पक रहा था, जैसे हल्का सा जैसे रबड़ी टाइप हो जाता है ना, तो बस वैसा ही मुझे बनाना था, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो एकदम इंस्टेंट वाली रबड़ी बन जाती है और बस अब मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रही है। तो गैस को मैंने कर दिया था बंद और इसको बिल्कुल ठंडा किया है मैंने। तब तक यहाँ पे मैंने 4 पीसेस ब्रेड ले ली है। अब इसका भी एक चीज़ है कि ये 2 दिन पुरानी ब्रेड मेरे पास में थी, जैसे हमारे फ्रिज में रहती है। तो बस अगर आप ये मिठाई बना रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश वाली ब्रेड लीजिएगा, क्योंकि जब मैं इसको बेलना से बेलूँगी तो फ्रेश वाली जो ब्रेड है वो टूटेगी नहीं, और जो 1-2 दिन पुरानी ब्रेड रहेगी तो वो 100% टूटती ही है। मेरे पास यही थी और ये जो बनाया था फीलिंग, तो बस इसको थोड़ा थोड़ा लेके अब अपने हिसाब से आप इसको भर लीजिए। थोड़ा ज़्यादा आपको चाहिए तो ज़्यादा डाल लीजिए, थोड़ा कम डालना है तो कम डाल लीजिए। तो बस इस तरीके से रोल कर लीजिए और उसके बाद में एक प्लेट में आप रख लीजिए, और प्लेट ऐसी लीजिएगा जो ओड़ी टाइप की हो, जैसे कि अभी इसमें वो वाला जो रबड़ी वाला दूध बनाया है वो डालेंगे तो वो गिरे ना। तो इस तरह से आप अच्छे से बेल लीजिए पतला करके और भर भर के रोल बना के रख लीजिए। और ये वाला जो रबड़ी वाला दूध हमने बनाया तो ये मैंने प्लेट में डाल दिया था, काफ़ी अच्छे से बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है, ठंडा हो गया है। और चिल्ड हो जाए तो और भी अच्छा है, अगर चिल्ड ना हो तो मिठाई को सेट करके फ्रिज में लगा दीजिए। और ये जो दूध वाली रबड़ी तैयार की है ये ज़्यादा इसमें डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे रसमलाई में अच्छा लगता है। तो टेस्ट में तो मैं क्या ही बताऊं, जब आप बनाएंगे तभी आप खा के समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा अमेजिंग बना था और कितना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है। ऊपर से मैं इसको सजा रही हूँ पिस्ता काजू बादाम से। बन के तैयार है स्टफ्ड ब्रेड मलाई रोल। और ये पनीर कलाकंद भी अच्छी तरीके से जम गया है, तो बस इसको पीसेस करने के बाद में मैंने ऊपर सिर्फ थोड़ी थोड़ी पिस्ता की कतरन रखी है, क्योंकि वाइट है और ऊपर ग्रीन ग्रीन जैसे पिस्ता रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ इसको भी मैंने पीसेस कर लिया, तो ये बेसन नारियल की बर्फ़ी भी रेडी हो गई है। और जो सेवई मिल्क केक बनाया था वो भी सेट हो गया है, तो उसको मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये है भी काफ़ी टेस्टी। बट इसको आप अगर छोटे छोटे पीसेस में ही बनाएंगे जैसा मैंने आपको बताया तो आपको ईजी रहेगा। और अब आप मिठाइयों का टेक्सचर देख लीजिए, सारी मिठाइयाँ बहुत ही परफेक्ट बनी हैं और स्वाद में तो बिल्कुल लाजवाब है। तो त्योहारों की बस शुरुआत होने ही वाली है और इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है माय वर्जन ऑफ सम डेजर्ट रेसिपीज़। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जैसे कि सावन तो लगने ही वाला है, 22 जुलाई को तो सबसे पहला त्यौहार सावन ही आ रहा है, तो बाबा जी की भोग थाली में आप इन रेसिपीज़ में से कोई भी डेजर्ट बना के बाबा जी को भोग लगा सकते हैं। और रक्षाबंधन आने वाला है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तो सारी ही जो डेजर्ट की रेसिपी मैंने शेयर की है काफ़ी ईजी है और स्वाद में बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।